सर ये बताइए, आज़म खान का कौन सा मामला मुरादाबाद की कोर्ट में लगा हुआ है और उसमें क्या आज तारीख थी, तो क्या आज़म खान पेश होंगे नहीं होंगे और क्या अभी तक निकल रही है? अभियोजन की एप्लीकेशन आ गई है कि वो पेश जो है आज पेश नहीं होंगे क्योंकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसकी वजह से। आज़म खान सीतापुर की जेल में है तो क्या इस केस में उनको सरेंडर करना है या जमानत के लिए याचिका दी गई है? नहीं, हमने आज एप्लीकेशन रिमूव की है कि चूंकि पुलिस की ये रिपोर्ट आ गई है कि आप यहाँ पर सीतापुर जेल में निरुद्ध हैं और आज पेश नहीं कर सकते, इसलिए उनके वारंट रिकॉल कर दिए जाएं। आज़म खान के खिलाफ यहाँ की कौन सी कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है? ये स्पेशल कोर्ट है, MP MLA कोर्ट। हाँ, छजनेट का मैटर है, 141-353 का मैटर है कि आज़म खान साहब ने एक बार धरना दिया था, उस धरने के विरोध में पुलिस पर जो थानाध्यक्ष है उसने FIR लिखाई थी, वो चल रही है यहाँ पर। ये बेल पे है ऑलरेडी हाई कोर्ट। हाँ हाँ, ऐसा था कि ये MP MLA कोर्ट इलाहाबाद चली गई थी फाइल, तो वहाँ पर 10-1-2019 को इन्होंने सरेंडर करके बेल करा ली थी। बेल कराने के बाद में फाइल यहाँ आ गई मुरादाबाद शासन हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, और यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन गई नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन जाती तो ये हाजिर हो जाते, इनको पुलिस ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लगातार गैर हाजिर होने की वजह से इनके वारंट हो गए। हमने चूँकि वहाँ पर इन्होंने सरेंडर कर दिया था रामपुर में दूसरे केसेस में, तो हमने एप्लीकेशन मूव की है, 28 दो में एप्लीकेशन मूव की थी कि 28 दो में एप्लीकेशन के साथ इनको तलब कर लिया जाए। ये इस बात पर बहस होगी कि वारंट रिकॉल किया जाए अथवा नहीं, क्योंकि कोर्ट में अपीयर हुए नहीं। अभियोजन का जो कहना है वो ये है कि वारंट एग्जीक्यूट हो चुका है, जबकि अभी तक कोई वारंट एग्जीक्यूट हो चुका है ऐसी रिपोर्ट फाइल पर नहीं है। अगली तारीख तो चूंकि फाइल केस है तो तारीख तो लगनी लगनी है, तारीख तो लगनी है, वो चीज़ एक अलग रहेगी। आप इसमें एप्लीकेशन का डिस्पोजल होना है आज केवल इसलिए।